8 साल की बिटिया के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध माफ नहीं करेगा यह समाज। पहले आप बच्ची से दोस्ती बनाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो अध्यापिका है वो उनकी बहन है, क्या उनको इसके लिए बोलना नहीं चाहिए? पढ़ने तो लेडीज के पास जा रही थी, फिर उसे मर्द कहाँ से आया? योगी बाबा होते तुरंत बुलडोजर चलता इसके मकानों पे, तुरंत गोली मारते योगी बाबा। जो योगी पॉलिसी यूपी की है वो दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे भी हैं। आज इसके साथ हुआ कल दूसरे के साथ हो जाएगा, तब क्या करेंगे? 4 साल की छोटी बच्ची थी और मेरी बहन भी 4 साल की है, अब ये डर लगता है कि मेरी बहन को ऐसे कोई कर दे तो कैसे रहेगा। हमें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हम लोगों को सीधा उसका मकान तोड़ना था, कुछ नहीं करना था। तोड़ तो दी गई बाबरी मस्जिद, तो ये घर के क्या औकात है? पूरा उनको सख्ती से उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसके बच्चे को कहीं भी एडमिशन मत होने दो, उस घर से ही नहीं निकलने दो। मुसलमान जो है निकल के कहाँ आए हैं कि हम पे क्या, हम हिंदुओं के साथ में हैं? एक भी मुसलमान आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। 4 हिंदू एक मुसलमान को मार रहे हो, 20 मुसलमान खड़े हो जाएंगे। अगर 4 मुसलमान 2 हिंदू को मार रहे हो, 1 हिंदू खड़ा नहीं होने का। अब ये ध्यान रखना इस चीज का। हमारी मांग है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन बेधर्मियों के खिलाफ, जिन्होंने हमारी 4 साल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है नारी शक्ति हमारे लिए माँ दुर्गा के समान है, हमारी मात्र 4 साल की बिटिया के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध इन बेधर्मियों ने किया है। हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, इनको फांसी की सजा दी जाए, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और अविलंब जल्दी से जल्दी इनको फांसी की मांग की जाए। और ये तो अभी जाकी है, रामलीला मैदान अभी बाकी है। अगर इनसे जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग उस रामलीला मैदान को भी भरने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये समाज जागृत हो चुका है, ये समाज जाग चुका है। इस प्रकार के इस रिहायशी कॉलोनियों में ये लगातार ये जो षड्यंत्र के तहत ये जो कार्य कर रहे हैं, इनको छोड़ेगा नहीं ये समाज, इनको माफ नहीं करेगा, इनके षड्यंत्र में इनको कामयाब नहीं होने देंगे हम लोग। इनको मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। क्या 4 साल की बिटिया क्या हिंदू मुस्लिम जानती है क्या किस प्रकार की अनर्गल बात है? वो 4 साल की बिटिया है, वो हमारी माता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति पंथ की हो, परंतु वो हमारी बिटिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी बिटिया हमारी नारी शक्ति के समान है, हमारी माँ दुर्गा, हम उसकी दुर्गा की उपासना करते हैं। अभी देखिए नव दुर्गा आने वाले हैं, तो हम जब उनकी दुर्गा की उपासना करते हैं, वो बेटी हमारे लिए माँ दुर्गा के समान है। 4 साल की बिटिया के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध माफ नहीं करेगा यह समाज, उसको माफ नहीं करने वाला। मैं फिर मांग करूंगा जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और उनको फांसी दी जाए। वो बच्ची राजनीति क्या जानेगी, वो तो बच्ची है, वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, फांसी दो, जो ये करता है फांसी दो उसे। वो बच्ची नहीं जानती राजनीति क्या होता है, वो उसको राजनीति के बारे में नहीं पता कि क्या होता है। मेरे हिसाब से ऐसे कुछ भी कभी भी अपराध सामने आए तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दो, सबके सामने फांसी दो, उसी वक्त उसी समय, नहीं तो यहाँ भी केरला स्टोरी दूसरी बनने जा रही है। और दिल्ली इसके लिए तैयार है, और दिल्ली इसके लिए तैयार है। अगर कुछ नहीं ऐसे कदम सरकार की तरफ से ठोस नहीं उठाया गया तो केरला स्टोरी होगा। फांसी बीच चौराहे पे दो और पुलिस सबके सामने, ताकि ऐसे अपराध, 4 साल की बच्ची को क्या सूझे क्या बूझे आप बताओ, बोल तक नहीं पाती ढंग से बच्ची, पढ़ाने के नाम पे आप ऐसे काम करते हो, ये आपका कौन कहता है? हमारे हिंदू में तो नहीं कहते, हम आपके पास सही से जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? क्यों मुस्लिम ही कर रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं सामने आते हैं? हर जघन्य अपराध के सामने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदुओं का नाम क्यों नहीं आता? मेरा कहने का तात्पर्य हिंदुओं का वो क्यों नहीं आता? मेरा सबसे बड़ा ये है, सरकार वही सेंट्रल सरकार से है कि आपका लोकसभा का चुनाव है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी बंदा यहाँ नहीं आया बीजेपी का कि भैया आइए और देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, एक बच्ची से रेप हो रहा है और आप कह रहे हैं हमें वोट दो, किस बात के आप वोट मांग रहे हैं? यहाँ के सरकार को आप जेल में बंद कर रहे हैं। आइए, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ गलत हो रहा है तो आप आइए और कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आप डायरेक्ट प्रशासन को बोलिए कि फांसी दी जाए, या तो बीच सड़क पे या फिर जेल में। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, 4 साल की बिटिया चाहे वह किसी भी जाति पंथ समाज की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो बिटिया हमारे लिए बिटिया है। लेकिन एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरा षड्यंत्र बनाया जा रहा है, किस प्रकार वो हमारे घरों के पास में दुकानें लेते हैं, नाम अपने अलग क्यों रखते हैं? हम जिस जाति से आते, क्या हमें उस जाति का बताने में शर्म आती है? हमें अपनी जाति पर हमें बताना चाहिए हम किस जाति पंथ प्रांत के हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र के तहत ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, बेसिकली हम उस षड्यंत्र के खिलाफ है, हम उस षड्यंत्र और जो बनाया जा रहा है उस षड्यंत्र के खिलाफ है। 4 साल की बिटिया के साथ आप 4 साल की, पहले आप बच्ची से दोस्ती बनाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो अध्यापिका है वो उनकी बहन है,
क्या उनको इसके लिए बोलना नहीं चाहिए? पढ़ने तो लेडीज के पास जा रही थी, फिर उसे मर्द कहाँ से आया? मर्द कहाँ से आया? यही तो केरला ईश्वरी थी और यही यहाँ भी होने जा रहा है और इसके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। तो इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्यों हिंदू भी तो हिंदू के यहाँ भी पढ़ने जाते हैं लोग, क्यों नहीं हिंदू कर देते हैं? आप जाति की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी कास्ट के हो, मुसलमान हो या हिंदू, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी ये इशू है कि मुसलमान लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। पहले दोस्ती करते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई की बात कराते हैं, फिर उसके बाद ये मुद्दा उठाते हैं। और दोस्ती में क्या तो मेरी बहन नहीं थी तो भैया वो पढ़ने ही क्यों गई थी? फोन करके आप बता तो सकते थे। योगी बाबा होते तुरंत मिलोड़ा चलता इसके मकानों पे, तुरंत गोली मारते योगी बाबा इन्हें। योगी बाबा तुरंत ही गोली मारते हैं। जो योगी पॉलिसी यूपी की है वो दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए। अभी जो कर्तव्य यूपी में कांड हुआ, बदायूं कांड 15 मिनट में उसको एक्शन हुआ ना, सूट हो गया ना वो। यहाँ पे भी कोई फांसी की वो नहीं होनी चाहिए, सीधा सूट करो ऐसे लोगों को, क्योंकि बच्चे हमारे भी हैं। हमें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। ये क्या है, यहाँ पे मैं बाल कटाने जाता था, इसके यहाँ स्टाइल हेयर ड्रेसर से मैं बाल कटाने जाता था, कई बार कटवाया मैंने, यहीं गली में रहता हूँ। क्या मुझे पता नहीं था? ये पता था, लेकिन जब पता चला कि अजय ये तो ऐसे कर रहा है तो उसके यहाँ मैं क्यों जाऊँगा? आप बताओ। जल्द सजा देना चाहिए भैया, जल्द से जल्द सजा देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। मुझे इंतजार नहीं होगा, जल्द से जल्द फांसी चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, तब क्या करेंगे? जल्द से जल्द, अभी फैसला हुआ ही कहाँ चले गया? कहाँ मीटिंग हुआ, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सारा चले गया। फांसी दो, फांसी जल्दी से जल्दी, फांसी चाहिए, फांसी। हर बच्चे के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कई लड़कियों के साथ है, छोटा बच्चा क्या, बड़ी लड़कियों के साथ भी होते हैं, लेडीज़ों के साथ हो रहा है, कहीं जा तक नहीं सकते। मतलब उनको देखते तो लगता है हाँ वहाँ मत रहो, इतना मतलब उनके ऐसा कर रखा है हम साथ। 4 साल की छोटी बच्ची थी और मेरी बहन भी 4 साल की है, अब ये डर लगता है कि मेरी बहन को ऐसे कोई कर दे तो कैसे रहेगा? यहाँ पे भी होना चाहिए, बिल्डोजर चल जाता है अब तक। योगी बाबा कर रहा है वो काम यूपी में, बढ़िया कर रहा है, ये काम दिल्ली में भी होना चाहिए। तुरंत गोली मार दिया जाए, तुरंत दोबारा काम ना हो दिल्ली में। मुसलमान जो है निकल के कहाँ आए हैं कि हम पे हिंदुओं के साथ में हैं? एक भी मुसलमान आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। अगर 4 हिंदू एक मुसलमान को मार रहे हों, 20 मुसलमान खड़े हो जाएंगे। अगर 4 मुसलमान 2 हिंदू को मार रहे हों, 1 हिंदू खड़ा नहीं होने का। आप ये ध्यान रखना इस चीज़ का, और कभी भी नॉलेज कर लेना आप ना कि जितनी भी सी पार्क के आसपास की पब्लिक है, जिनके आसपास ये माहौल ये घटना घटी है, सब ऊपर से वीडियो बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, कोई नीचे नहीं आया है। खाली 100 में से 10 घर नीचे आए होंगे यहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं आया है। लोग जानते ही है ना कि वो लोग कितने कट्टर हैं, अपने संप्रदाय अपने जाति को लेके बहुत कट्टरता दिखाते हैं। और हमारे हिंदू में जब हम एक हो जाएंगे, आज जो पूरा RSS और BJP सारे हिंदू संगठन हम आज जुड़े हैं, आज आए हैं तो उन्हें पता लगना चाहिए, तो वो आएंगे नहीं। अब वो छिप के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हम लोगों को सीधा उसका मकान तोड़ना था, कुछ नहीं करना था। तोड़ तो दी गई बाबरी मस्जिद, तो ये का घर के क्या औकात है? ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना था, ऑन द स्पॉट उसका मकान तोड़ना था। सांप्रदायिकता की बात अलग है, लेकिन ये जो नीच हरकत है, चाहे कोई भी धर्म का हो, ये सबके लिए बुरा है। लेकिन चूंकि इनके कौम में ऐसा दुष्कर्म हमेशा होते आ रहा है, कुछ न कुछ जहाँ भी जितना भी क्राइम आप देखिए इनके तरफ से ही होता है। जहाँ भी देख लो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ये कुछ भी बुरी चीजें हैं, जो भी बलात्कारी है, चाहे जो भी कहीं हत्या हो रही है, अभी देखे यूपी में भी बच्चों को काट दिया है। हाँ, बताए, हर जगह जो भी कांड होते हैं, मैक्सिमम उन्हीं का हाथ होता है। तो इसलिए आज सब हम एक हुए हैं, लेकिन उनको इसके लिए पूरा उनको सख्ती से उसका बहिष्कार करना चाहिए, उनके घर को या ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। गलत है, क्यों जनाजे में इकट्ठे हुए? उसने तो गलत काम किया, बेदोषा बच्चों को मारा। उन बच्चों का क्या कसूर था, क्या था उन बच्चों के, वो बच्चे कुछ उससे लेने गए? उल्टा उसकी माँ उनकी मदद करती थी, एक मदद करने वाली औरत के बच्चों को ऐसे तड़फा के मारा उसके जनाजे में। तो मैं कहती हूँ थूके फेंकनी चाहिए थी, चप्पलें फेंकनी चाहिए थी, जूते मार के उसके जनाजे को। अगर हम माँ होते तो हम ऐसा ही करते। और ये देखिए आज इस कितनी शर्मनाक की बात है, एक 4 साल की बच्ची देवी जिसको हम पूछते हैं, उस कन्या को जिसकी पूजा करते हैं, उसके साथ इस दरिंदे ने क्या। हम गए थे अभी उसके घर, ये सभी औरतों को लेके, वो घर एकदम सूना पड़ा है नहीं, मिलने नहीं दे रहे। हम उस मुस्लिम का घर भी देख रहे थे, पता चला ये मुस्लिम का। हमें एक औरत ने बताया इसका बच्चा मेरे बेटे के साथ पढ़ता है, मैं स्कूल का पता लगा के वहाँ प्रिंसिपल के जाके उस बच्चे को जरूर बाहर निकालूंगी। मैं शशि चांदन हूँ, IP टेंशन में रहती हूँ, ये मेरी सारी बहनें। उसके बच्चे को कहीं भी एडमिशन मत होने दो, उस घर से ही नहीं निकलने दो,
ताकि जब बाप ऐसा है तो बेटा भी तो ऐसा ही होगा।